in 6th class. Hope you all are fine. Today we'll start a new chapter, which is chapter 5, Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds, and it's on page number 42. So what is atom and what is element? Atom is the smallest particle of everything. Everything in this universe is made up of atom. And what is element? Element, when the same type of atoms join together, they'll form element. Everything around us is made of different materials, all of which have different properties. The material you choose for a particular job depend on many things, including the properties you need, what the material looks like, the cost of it, how easily available it is, and whether it is safe to use. Salt, carbon dioxide and copper are the three common materials that you are probably familiar with. They look different, they have different properties, the cost of them differ, and yet they all have one thing in common. If it was possible to keep cutting them up into smaller and smaller pieces, eventually you would have many minute particles too small to even see with the most powerful electron microscope. This tiny particle is called atom. तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, और आप जब भी कोई मटेरियल चूज़ करते हैं तो आप उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में आप क्या देखते हैं कि वो कैसा दिखता है, वो उसकी प्राइस क्या है, वो इजीली अवेलेबल है या नहीं। और जो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर, आपके पास ऐसे कॉमन मटेरियल हैं जिनसे आप फेमिलियर, जिनको आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक चीज़ कॉमन है कि इनमें से आप कोई भी चीज़ उठा लें और उनको काटना शुरू कर दें तो इवेंचुअली आपके पास एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास इतने स्मॉल और इतने माइन्यूट पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनको आप अपनी आंखों से क्या, जो आपके पास दुनिया की मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं उसके नीचे भी बड़ी मुश्किल से नज़र आते हैं। तो इन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कह देते हैं, एटम्स कहते हैं। A material that is made up of only one type of atom is called an element. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हमारे पास same type of atom join करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, element बना देते हैं। So far, scientists have discovered 117 different elements. Some of these are very rare, a few are man-made, while many material elements such as copper, sodium and chlorine are common. An element is a substance that cannot be split into simpler substances. When an electric current is passed through water, two gases are produced. These gases are hydrogen and oxygen. But no amount of chemical treatment will split hydrogen and oxygen into something simpler. This is also true of other 115 elements that make up all the different material found on Earth and on the other planets and stars. तो मैंने आप लोगों को बताया कि एलिमेंट कैसे बनता है, जब सेम टाइप ऑफ एटम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट बना देते हैं। और साइंटिस्ट ने अब तक 117 डिफरेंट एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं, तो उनमें से कुछ बहुत रेयर हैं, रेयर मतलब होता है नायाब हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कुछ जो हैं वो मैन मेड हैं और कुछ कॉमन हैं लाइक कॉपर, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है। तो आपके पास इन्होंने एग्जांपल दिया है कि वाटर के पास आपको पता है, वाटर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, H2O होता है। जब आप वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो उससे आपके पास दो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं विच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके पास एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम उनको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। तो जब आप वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो आपके पास दो गैसेज आएंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर एलिमेंट्स, और आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते। और यही प्रिंसिपल अदर 115 एलिमेंट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। एलिमेंट्स में आप लोगों को बता चुके क्या होते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं जब सेम टाइप ऑफ एटम ज्वाइंट करते हैं तो आपके पास क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स बना देते हैं। और सिंबल्स आपके पास क्या होता है, जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनके नेम्स काफ़ी लंबे होते हैं, तो साइंटिस्ट ने अपनी कन्वीनियंस के लिए उनको शॉर्ट नेम्स दे दिए, और उन शॉर्ट नेम्स को हम क्या कह देते हैं, सिंबल्स कह देते हैं।